नमस्कार जन प्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 5,819 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में लाया गया विधेयक, मुफ्त में होगी वायरस की जांच। कोरोना वायरस के टेस्ट में निगेटिव पाए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में संक्रमण से अब तक 57 लोगों की गई जान। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 105। चार देशों से जुड़ी जमीनी सीमाएं आज होंगी सील। आज सार्क देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे पीएम मोदी। कोरोना से निपटने के लिए साझा रणनीति पर होगी चर्चा। कोरोना वायरस से प्रभावित ईरान में फंसे 234 भारतीय पहुंचे स्वदेश। गृह मंत्रालय ने करतारपुर यात्रा पर अगले आदेश तक लगाई रोक। संक्रमण के चलते पश्चिमी रेलवे ने एसी डिब्बों से हटवाए पर्दे कंबल। कहा यात्रा के लिए खुद साथ लाएं अपना कंबल। 4 लाख मुआवजे के फैसले से केंद्र सरकार ने लिया यूटर्न। अब कोरोना से मृतकों के परिजनों को नहीं मिलेगी सहायता। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की पत्नी कोरोना वायरस से संक्रमित। स्पेन में 24 घंटे के अंदर 136 लोगों की हो चुकी है मौत। ब्रिटेन की विमान कंपनी जेट 2 ने स्पेन में उड़ानों पर लगाई रोक। सऊदी अरब ने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई पाबंदी। कोरोना की बीमारी से हुई मौत के बाद शवों पर केंद्र ने शुरू किया मंथन। अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रही है नई गाइडलाइन। कोरोना की दहशत के चलते टल सकता है संसद का बजट सत्र। सोमवार को कार्यवाही शुरू होने के दौरान हो सकता है फैसला। जयपुर से भोपाल पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायक। 16 मार्च को होगा कमलनाथ सरकार का बहुमत परीक्षण। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। भाजपा पर 22 विधायकों को बंदी रखने के लगाए आरोप, मांगी मदद। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज करेंगे नई पार्टी की घोषणा। यूपी की राजनीति में बन सकता है नया समीकरण। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। सोपोर में एक आतंकी और हंदवाड़ा में 2 मददगार गिरफ्तार। बगदाद के उत्तर में इराकी सैन्य अड्डे पर फिर रॉकेट से हमला। 2 वायुसेना कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, तनाव जारी। दिल्ली से अयोध्या पहुंचा रामलला के अस्थायी मंदिर का ढांचा। 24 मार्च को वैदिक रीति से स्ट्रक्चर पर किया जाएगा प्रतिष्ठित। राजस्थान से अयोध्या पहुंचे लार्सन एंड टूर्बो कंपनी के 14 सदस्य। राम जन्मभूमि परिसर में मृदा परीक्षण के लिए 30 मीटर होगी खुदाई। 1 अप्रैल 2020 से मोबाइल फोन 6% हो जाएंगे महंगे। केंद्र सरकार ने 12 से बढ़ाकर 18% किया जीएसटी। राजस्थान की 704 ग्राम पंचायतों के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, शाम 5 बजे तक होगा मतदान। कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर बोले पीएम मोदी। का दर्जा बहाली के लिए सभी तबकों के साथ मिलकर काम करेगी सरकार। कोरोना वायरस को लेकर जन जागरण अभियान चलाएगी भाजपा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को जागरूक करेगी पार्टी। बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता देगी यूपी सरकार। जौनपुर के जान गंवाने वाले परिजनों को योगी ने दिया 4 लाख का चेक। सीएम योगी ने वाराणसी के आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण। बोले कोरोना मरीजों के लिए 75 जिलों में तैयार किए गए हैं 1010 बेड। कर्नाटक सरकार ने आईटी कंपनियों से किया अनुरोध। का कर्मचारियों को घर से काम करने की प्रदान करें अनुमति। येस बैंक को दिसंबर की तिमाही में हुआ 18,564 करोड़ रुपए का घाटा। येस बैंक की एनपीए में भी लगभग 19% हुई बढ़ोतरी। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फारूक अब्दुल्ला पर किया दावा। बोले अब्दुल्ला के साथ नहीं है जम्मू कश्मीर की आम जनता। जम्मू कश्मीर लद्दाख में मध्यम हिमस्खलन की चेतावनी जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के दिए गए निर्देश। दिल्ली में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों में बनाए जाएंगे पृथक सुविधा केंद्र। कोरोना को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लिया फैसला। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने पर आपके राघव चड्ढा ने कसा तंज। बोले कार चलाने से सस्ता है हवाई जहाज उड़ाना। उमर खालिद की रैली को लेकर फडणवीस ने उद्धव सरकार पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों की तस्वीरें साझा कर मंच पर होने का किया दावा। गुजरात कांग्रेस ने करीब 14 विधायकों को भेजा जयपुर। राज्यसभा चुनाव को लेकर तोड़फोड़ की आशंका को लेकर उठाए कदम। महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तरह ऑपरेशन लोटस पर बोले संजय राउत। का यहाँ बैठे हैं कई सर्जन, जो तोड़फोड़ करने आएगा उसी का कर देंगे ऑपरेशन। जीएसटी परिषद की बैठक में अर्थव्यवस्था और कोरोना के प्रभाव पर चर्चा। वित्त मंत्री बोली प्रभाव का आकलन कर उद्योग जगत से होगी बातचीत। हस्त निर्मित और मशीन से तैयार माचिस पर लगेगी 12% की जीएसटी। नई दरें 1 अप्रैल 2020 से होंगी लागू। गुजरात में कांग्रेस के 2 विधायकों ने विधायकी से दिया इस्तीफा। सोमा पटेल और जेबी काकड़िया ने टिकट न मिलने पर उठाया कदम। जनसंख्या नियंत्रण पर गैर सरकारी विधेयक संसद में पेश करेंगे सिंधवी। बोले 2 बच्चों की अनिवार्यता और 1 संतान वालों को सुविधाएं देने की करेंगे मांग। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। बोले कांग्रेसियों को ही राहुल गांधी पर नहीं है भरोसा। गुलाम नबी आजाद ने की जम्मू कश्मीर के अन्य नेताओं की रिहाई की मांग। बोले राज्य में जल्द कराए जाएं चुनाव, मिले पूर्ण राज्य का दर्जा।
नोएडा में 15 अप्रैल तक मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक, कोरोना वायरस के चलते डीएम बीएन सिंह ने जारी किया आदेश। एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सिंधिया के करीबी का बड़ा बयान, राम निवास बोले सिंधिया को भाजपा में कांग्रेस जैसा नहीं मिलेगा सम्मान। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, बाला साहेब थोराट बोले लोगों को लूट रही है सूट बूट वाली मोदी सरकार। बेमौसम बारिश के बाद एक्शन में दिख रही है बिहार सरकार, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने गांव में जाकर किसानों का जाना दुख दर्द। 11 रुपए में कोरोना को ठीक करने का दावा करने वाला गिरफ्तार, लखनऊ पुलिस कोरोना बाबा को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। दंगाइयों के साथ सीएम योगी का पोस्टर लगाने वालों पर गिरी गाज, पुलिस ने सुधांशु वाजपेयी और लल्लू कनौजिया पर दर्ज की रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रद्द नहीं हुई वनडे सीरीज, कोरोना के हालात सुधरने के बाद आयोजित होगी सीरीज। आईपीएल संकट पर बीसीसीआई प्रमुख सौरभ गांगुली का बयान, कहा अगर इंडियन प्रीमियर लीग हुआ तो छोटा ही होगा। आईपीएल रद्द होने पर हो सकता है करीब 10,000 करोड़ का नुकसान, बीसीसीआई के पास इसे टालना ही बेहतर विकल्प। इंडियन प्रीमियर लीग के रद्द होने पर रोजगार पर भी पड़ेगा असर, हजारों की संख्या में नौकरियों पर भी मंडराया खतरा। कोरोना पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस का बड़ा बयान, कहा हम भाग्यशाली हैं कि क्रिकेट संपर्क वाला खेल नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।